हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद अवर न्यू ब्लॉग। के सही थी और सबके ब्लॉग देख रही थी तो सोचा कि ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर दें और यहीं से मेरी भी विशेस कबूल करना, मेरी विशेस को मानना, जय गुरुजी। और यहीं से मैं माथा टेक देती हूँ। गर्ल्स गैंग आ चुकी है स्कूल से घर और आते ही मैंने इन्हें बताया आज गुरुजी का बर्थडे है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिलहाल पहले तनिष्का मिश्का को लेकर आती हूँ। आज मौसम ऐसे ही हो रहा है, बहुत ज्यादा क्लाउडी है और कब हैवी रेन हो जाए। हैवी रेन होने का होता तो है पर होती नहीं है, थोड़ी सी होकर रुक जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है, बट बहुत ज्यादा उमस है आज। और गर्ल्स गैंग आ चुकी है स्कूल से घर और आते ही मैंने इन्हें बताया आज गुरुजी का बर्थडे है, बिकॉज सुबह तो मैं रिमाइंडर नहीं कर पाई थी। और मीशू से फर्स्ट पूछते हैं, मीशू आपका डे कैसा रहा आज स्कूल में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मीशू को मिल गया नया आई कार्ड भी जाते ही। और ताशु, मीशू के बैग में डायरी नहीं है? मैम कह रही थी कि इसके बैग में डायरी नहीं है। हाँ, डायरी नहीं है इसका। नहीं है तो डायरी कहाँ गई, बाहर निकाल के फेंक दी क्या तूने? अबे भाई, तुमने दी थोड़ी ना, तेरे छोटे वाले बैग में रखी होगी फिर, है ना? आर्ट एंड क्राफ्ट वाले में होगी फिर। और गाइज मैंने आते ही इनको बताया कि आज गुरुजी का बर्थडे है और दोनों ने ना आते ही कैसे विश किया, चलिए आइए दिखा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आज मैं बना रही हूँ डिनर में, ये है मटर और पनीर की सब्जी। ये है मटर जो मैंने छील कर अच्छे से फ्रीजर में रख दी थी और उसके साथ चिली भी रख दी थी, तो दो तीन जो चिलीज हैं वो मैंने इसमें मसाले में काट कर डाल दी। और देखिए मसाला अच्छे से पक भी गया है और बस मसाला पक रहा है। और यहाँ मैंने पनीर को भी पीसेस में कट कर लिया है। अब जैसे ही मसाला अपना तेल छोड़ देता है उसके बाद मटर, और पहले पनीर पकाऊंगी थोड़ा सा, उसके बाद मटर डालूंगी। और यहाँ पे आज तनिष्का मिश्का की डिमांड पर बन रही है सेवई, और ये सारा खाना आज पहले गुरुजी को भोग लगेगा, बिकॉज आज गुरुजी का बर्थडे है तो गुरुजी के लिए मैं स्पेशल खाना बना रही हूँ। मीठी सेवई, मटर पनीर की सब्जी, रायता और पूड़ी बनेगी आज घर में। सो पहले गुरुजी को भूख लगेगा, गुरुजी खाएंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो चलिए जल्दी, देखिए मैंने ना ग्रीन चिली भी ऐसे कट करके डाल दी है और ये भी मसाले में अच्छे से हो गई है। और अब इसके अंदर मैं पनीर डाल देती हूँ ताकि पनीर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए मसाले में, उसके बाद मैं मटर डालूँ, क्योंकि मटर जो है गाइज वो ना ताज़ा ही है और मैंने छील कर कल रख दी थी, तो मटर जल्दी पक जाएगी और पनीर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इसलिए मैंने पहले डाला है कि मसाले में अच्छे से मैरिनेट भी हो जाए और मसाले में पक भी जाए। उसके बाद फिर मैं मटर वॉश करके मटर डाल दूँगी, तो मटर पनीर की सब्जी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर मेरी सेवई भी रेडी हो गई है। सो इसके अंदर अब मैं मिलाने वाली हूँ, ये जो है जैसे ही ये मेरी सेवैयाँ पक जाएगी उसके अंदर मैं मिलाऊंगी ये मिल्कमेड, ये मिल्कमेड मैं मिलाऊंगी। ये मैंने आधा खीर के लिए खीर में डाला था तो उसका थोड़ा सा ये बच गया था, तो आज ये मिल्कमेड वाली मैं सेवैयाँ भी बनाऊंगी। तो जल्दी से किचन का काम फिनिश करते हैं। गाइज मैं अभी जा रही हूँ तनिष्का मिश्का को लेने के लिए, वो दोनों की ट्यूशन से छुट्टी हो गई है, उसके बाद दोनों पार्क में खेलने लग गई, तो चलिए चलते और देखते हैं क्या खेल रही हैं दोनों की दोनों। मस्ती बाजियां कर रही हैं, आज मौसम थोड़ा सा ठीक है, गर्मी भी कम है तो आज दोनों खेलने में लग रही है। तो आइए चलिए आपको भी दिखाती हूँ दोनों क्या मस्ती है। अच्छा ठीक है, मैं व्लॉग कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। गाइस बच्चे आ गए हैं पार्क में और खेलने में मस्तियों में लगे हुए हैं, और देखते हैं क्या खेलते हैं आज ये दोनों तीनों चारों। हर बार नई नई कंपनियाँ मिल जाती हैं इनको, एक पत्ता नहीं हिल रहा है इस बाहर, देख रहे हैं आप ही, देखिए एक पत्ता नहीं हिल रहा है बिल्कुल। और तनिष्का को कर दिया स्टैचू है,
यहाँ पे आ चुका है गुरु जी का बर्थडे केक और जस्ट अभी लाके मैंने रखा है। और तनिष्का मिश्का को कैसा लगा? अच्छा है। ठीक है ठीक है। प्लेट से ले आई हूँ और यहाँ पे ये बिस्किट्स हैं, तो बिस्किट्स हो गई और केक हो गया। कोल्ड सो गाइस आप देख रहे हैं मेरा हाल ना, मैं पसीने पसीने हो चुकी हूँ। मार्केट में इतना ज्यादा रश है, कभी भी पहुंच जाओ चाहे रात में चाहे दिन में। नहीं बेटा वो नहीं मिला बेबी, वो ट्यूसडे को मिलेगा और आपको मिलेगा ट्यूसडे को। सो गाइस अभी मैं जल्दी से जा रही हूँ शावर लेने के लिए और फटाफट से भी गुरु जी के बर्थडे की तैयारी करते हैं और गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, है ना? यहाँ पे गुरु जी का भोग प्रसाद भी रेडी हो चुका है। यह है पनीर की, मटर पनीर की सब्जी, रायता, पूड़ी और सेवैया, मीठे में है सेवैया। और ये सब दोनों रेडी हो चुकी हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। अब जल्दी से हम चल रहे हैं गुरु जी के बर्थडे सत्संग में, तो चलिए आपको ले चलते।
ड्रेसिंग से घर वापस अब मैं जा रही हूँ चेंज करने, बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और भूख भी लग रही है। तनिष्का मिश्का खा कर सो गई है और अब मैं जा रही हूँ जल्दी से डिनर कर लेती हूँ। सो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी।